नमस्कार, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ताजा खबरों में। आज की मुख्य खबर और हेडलाइंस न्यूज के तहत खबर आ रही कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को कहा कि देशभक्त लद्दाखवासी चीनी घुसपैठ के खिलाफ आवाज उठा रहे और सरकार को उनकी सुननी चाहिए, क्योंकि यदि उनकी बात को नजरअंदाज किया गया तो देश को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसी के साथ दोस्तों आपको ये भी बता दें कि बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन ने लद्दाख के गलवान घाटी में भारत चीन तनाव पर फिल्म बनाने की घोषणा कर दी है। तरुण आदर्श ने इसकी जानकारी ट्वीट कर दी है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, ये ऑफिशियल है कि अजय देवगन गलवान घाटी की घटना पर फिल्म बनाने जा रहे हैं। अभी फिल्म का कोई शीर्षक नहीं दिया गया। इस फिल्म के जरिए उन 20 भारतीय सेना के जवानों की कहानी दिखाई जाएगी जिन्होंने चीनी सेना का मुकाबला किया था। दोस्तों अगली बड़ी खबर है कि हाफिज सईद के दाएं हाथ मुजीब की हत्या, आतंकवादियों को देता था ट्रेनिंग। जी हां, जम्मू कश्मीर में दहशत कायम करने के लिए आतंकवादियों को ट्रेनिंग देने वाला कुख्यात आतंकवादी मारा गया। कराची में मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी गई। मौलाना मुजीब को हाफिज सईद का दाएं हाथ माना जाता था। पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका है। दोस्तों आपको ये भी बता दें कि नेपाल के पीएम ओली का इस्तीफा देने से इनकार, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी में विभाजन थे। दोस्तों नेपाल में राजनीतिक संकट और भी गहरा हो गया है। आज होने वाली कम्युनिस्ट पार्टी की स्थायी समिति की बैठक टल गई। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के नेता पुष्प कमल दहल प्रचंड प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से नहीं मिलने पहुंचे। इसी के साथ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विभाजन की ओर बढ़ती दिख रही है। दोस्तों अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही कि उत्तर प्रदेश में 19 साल की कोरोना संदिग्ध युवती को यूपी रोडवेज की बस से फेंकने के आरोप लगे। आरोप है कि युवती को कोरोना की संदिग्ध होने के चलते बस से फेंक दिया गया और बाद में इसकी मौत हो गई। हालांकि मौत का कारण हार्ट फेलियर बता रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों हम जानते हैं अगली खबर के बारे में। दोस्तों चीन के रवैये से केवल भारत नहीं बल्कि कई देश परेशान और ड्रैगन के खिलाफ उठती आवाजों के बीच जापान ने शी जिनपिंग के आधिकारिक दौरे को रोकने जा रहा है। कोरोना वायरस महामारी की वजह से जापान ने शी के दौरे को अप्रैल में टाल दिया था और अब ये इस साल संभव नहीं दिखता। 2008 के बाद चीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये पहला जापान दौरा होता, लेकिन दोनों देशों के बढ़ते तनाव की वजह से इस पर ग्रहण लग गया। इसी के साथ दोस्तों देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 6,49,899 हो गई। शुक्रवार को रिकॉर्ड 22,721 मरीज बढ़े और 14,417 से ज्यादा ठीक भी हो गए। इस दौरान महाराष्ट्र में एक दिन में सबसे ज्यादा 6,364 मामले बढ़ गए। दोस्तों रिकवरी रेट 60% के पार, देश में अब तक 3.86 लाख मरीज ठीक भी हो चुके हैं। शुक्रवार को रिकवरी रेट 60% के पार हो गया। अब तक देश में 60.73% मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 10 दिनों में इसमें 4% का इजाफा हुआ। 24 जून को रिकवरी रेट 56% था। दोस्तों आपको ये भी बता दें कि कोरोना संक्रमण की चुनौती से निपटने में राजस्थान मॉडल की गूंज केवल देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हो रही है। दोस्तों इसी के साथ अगली खबर कि नीट में ओबीसी कोटा की सोनिया ने की मांग, प्रियंका गांधी ने किया समर्थन। जी हां, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मेडिकल और डेंटल इंस्टीट्यूट में ऑल इंडिया कोटा में ओबीसी छात्रों के लिए आरक्षण बढ़ाने की कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की मांग का प्रियंका गांधी ने समर्थन किया है। दोस्तों अगली बड़ी खबर है कि कानपुर एनकाउंटर में एक बड़ा खुलासा हुआ है। विकास दुबे की कॉल डिटेल में कई पुलिस वालों के नंबर निकले। शक है कि कानपुर देहात के एक थाने के दरोगा ने विकास दुबे को पुलिस के छापे की सूचना पहले ही दे दी थी। दोस्तों आपको ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 5 महीने में पड़ेगी 200 लाख टन अनाज की आवश्यकता। दोस्तों कोरोना महामारी की वजह से गरीब भूखा न रहे, इसलिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश के 80 करोड़ लोगों को हर महीने फ्री में 5 किलो गेहूं या चावल तथा 1 किलो चना दाल देने की घोषणा की है और नवंबर अंत तक सरकार ये सब फ्री में